यानी डेट ऑफ एग्जिट, यानी कौन से मंथ, कौन से ईयर, कौन से डेट में आपका पीएफ का लास्ट कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है, उसे डेट ऑफ एग्जिट कहते हैं। और जब भी आप अपने पीएफ पोर्टल पे आप अपने पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉल करने जाएंगे, तो उस समय आपके पीएफ अकाउंट का डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में बिल्कुल मैं बताऊँगा कि आप अपने पीएफ अकाउंट का डेट ऑफ एग्जिट कैसे अपडेट करेंगे, यानी ऑनलाइन आप डेट ऑफ एग्जिट कैसे अपडेट करेंगे, इसकी जानकारी इस वीडियो में बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो चलिए बने रहिए। और दोस्तों, पीएफओ से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और जो भी सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन मैं बिल्कुल आप लोगों को देने की कोशिश। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, बगल में बेल वाले आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए फिर शुरू करते हैं। डायरेक्ट आने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस पेज पर डायरेक्ट आ सकते हैं। और मैं यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉल है, यानी आप अपने पीएफ का पूरा पैसा कितने दिन बाद निकाल सकते हैं, ये सारी जानकारी, ये सारे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मैं यहाँ पे आप लोगों को देने वाला हूँ। तो और दोस्तों, यहाँ पे यूएन नंबर यहाँ पे डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है, और जो भी यहाँ का पिक्चर दिख रहा है सेम का पिक्चर फिल करके साइन इन पे टाइप करेंगे और अपने अकाउंट में लॉग। फिर यहाँ पे मैंने यूएन नंबर डाल दिया है, जो भी पासवर्ड है पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और जो कपेक्चा दिख रहा है सेम कपेक्चा मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, और साइन इन पे यहाँ पे टाइप करेंगे। तो साइन इन पे टाइप करने के बाद देखिए इस तरह से पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा, और फाइनली देखिए इस तरह से आपका अकाउंट आपके सामने खुल करके आ जाएगा। देख सकते हैं ईपीएफओ के द्वारा 5 सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, होम, व्यू, मैनेज अकाउंट और ऑनलाइन सर्विस। तो हमको अपना यानी मार्क एग्जिट करने के लिए इसे हमको पहले अपना सर्विस हिस्ट्री चेक कर लेना है। चलिए सर्विस जो व्यू वाला आइकन देख रहा है, व्यू वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, और व्यू वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद देखिए सेकेंड नंबर पे आता है सर्विस हिस्ट्री। तो सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे, तो सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से आपका सर्विस हिस्ट्री यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। आप जितने भी कंपनियों में आपने काम किया है सारा कंपनी यहाँ पर शो करेगा। और सेकेंड नंबर पे जो पीएफ आईडी दिख रहा है इसका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपडेट है लेकिन डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है। तो इस पीएफ आईडी का हमको इसका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के लिए यहाँ पे हमको यहाँ पे देख सकते हैं जो मैनेज वाले आइकन पर हमको सिंपली क्लिक करना है, और मैनेज पर क्लिक करने के बाद देख दिया बेसिक डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, KYC, और लास्ट में एकदम दिया है मार्क एग्जिट। तो मार्क एग्जिट वाले आइकन पर हमको क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे सेलेक्ट जो दिख रहा है सेलेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए जो भी पीएफ आईडी यानी जिस भी पीएफ आईडी का डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं होगा यानी वो पीएफ आईडी यहाँ पे शो करेगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ और डेट ऑफ एग्जिट आपका कितने दिन में अपडेट होता है, यानी डेट ऑफ एग्जिट जब भी आप कंपनी छोड़ देते हैं, यानी जब भी आपका पीएफ का लास्ट कंट्रीब्यूशन जमा होता है उसके 60 दिन बाद ही आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होता है, यानी आप कंपनी छोड़ने के 60 दिन बाद ही आप अपने पीएफ का डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं, यानी अपने पीएफ आईडी से ऑनलाइन रिजाइन आप कर सकते हैं और बिना कंपनी गए आप अपने पीएफ का पूरा पैसा यानी आप अपने पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेलेक्ट दिख रहा है सेलेक्ट पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी पीएफ आईडी शो होगा उस पीएफ आईडी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरह से पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पे शो करेगा, और जो भी आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो भी यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट, ये भी ऑप्शनल होता है, तो चलिए सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने एक कैलेंडर यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे इस कैलेंडर में से आपको केवल एक डेट सेलेक्ट करना रहता है, आपका मंथ और ईयर ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाता है। तो चलिए इस कैलेंडर में से एक डेट हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, यहाँ पे हम 15 तारीख सेलेक्ट कर ले रहे हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद फिर इस तरह से पेज आपके सामने दिखेगा,
और फिर यहाँ पे देख सकते हैं रीसेलेक्ट डेटा पे एग्जिट। फिर से एक बार यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए फिर से एक बार आपके सामने कैलेंडर खुल के आ जाएगा। फिर से एक बार यहाँ पे आपको ये डेट सेलेक्ट कर लेना है, सेम डेट सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे अब शो करने लगा कि यहाँ 15 अप्रैल 2022 को, यानी यहाँ पे आपका रिजाइन डेट है 15 अप्रैल 2022। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट, ये भी ऑप्शनल होता है, सेलेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको। तो इस तरह से रीजन आपके सामने खुल करके आ जाएगा। सबसे नीचे वाला जो रीजन है सेशन शॉर्ट सर्विस, इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। चलिए और इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको OTP के लिए परमिशन देना रहता है, तो यहाँ पे हमको एस मार्क कर देना है। एस मार्क करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP, तो रिक्वेस्ट OTP पे आपको सिंपली क्लिक करना है, तो जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर पे एक OTP रिसीव होगा। चलिए और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दिया है व्यू रीड द पॉइंट केयरफुली, तो यहाँ पे एस मार्क हमको एस जो दिया है एस पे हमको क्लिक कर देना है। और जो भी हमारा रजिस्टर मोबाइल नंबर रहेगा उस रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आ चुका है, वो OTP हमको यहाँ पे डाल देना है। चलिए तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP रिसीव हुआ था OTP मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दिया है आई हैव रीड द बिलो पॉइंट केयरफुली, यहाँ पे भी आपको एस मार्क कर देना है। और एस मार्क करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो सबमिट वाला आइकन दिया है सबमिट वाले आइकन पे हमको क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिख करके आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट डेट ऑफ एग्जिट, यानी आप श्योर हैं कि आप अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमको अपडेट जो लिखा है अपडेट वाले आइकन पे सिंपली क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ डेट ऑफ एग्जिट अपडेट सक्सेसफुली, आप यहाँ पे जो भी हमने डेट ऑफ एग्जिट अपडेट किया वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देना है, जाता है सेकेंडों में आपका डेटा पे भी अपडेट होता है।